चेयरमैन साहब के पीए का फोन है। वेट 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 वेट, लेट मी हैंडल दिस। हेलो, जी जी शिरोज बोल रहा हूँ। जी जी बिल्कुल आइडिया था, मगर अचानक उनकी तबीयत खराब हुई है और हमें पता नहीं चला। अब अभी भी सो रही है। जी जी बिल्कुल तबीयत खराब है, वॉमिटिंग हो रही है और काफी वीक है। आप फिक्र मत करें, जैसी तबीयत ठीक होती है मैं उनको कॉल करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे जिंदगी के हर मकसद में ऐसे ही कामयाब। शाहनवाजी बहुत 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 मुबारक हो, आप सीएम बन गई। खैर मुबारक। एक और खुशखबरी है, तुम्हारी बेटी को ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री का मिनिस्टर बना दिया गया है। पूरी जिंदगी मुझे मान दिया, वकार दिया, और जाते जाते पूरे सूबे का सरबराह बना गए। शोर हो तो तुम जैसा ख्यासुद्दीन, सीधा बात। There she is, the newest CM mom. Thank you. Congratulations. Ooh, this is so exciting, so exciting. वैसे आज खुशी का भी मौका है और दुख का भी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाबा नहीं हमारे साथ आज। वैसे एक बात बताऊं, अगर बाबा यहां होते ना तो he would have been really proud. शायद। फिर बैठो ना। तुम्हें पता तो चल गया होगा कि ओथ टेकिंग के बाद चेयरमैन साहब दानिया को एक मिनिस्ट्री देने वाले हैं। वैसे मुझे अंदाजा था उसकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि उसे कोई सीट देंगे या कोई पोजीशन देंगे। खैर तो उससे कहो कि अगर कोई चीज ऑफर होती है ना तो मना करते हैं। वो क्यों करेगी? मना क्यों करेगी? क्योंकि तुम उससे कहोगे और तुम उसके शौहर हो। शी इज प्रेग्नेंट, वो इस कंडीशन में नहीं कि ये सारी जिम्मेदारियां उठा सके। प्लस मैं अब सीएम बनने जा रही हूं, तुमने मेरे साथ हुकूमत चलानी है। दो जगह नहीं बढ़ सकते बेटा। ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। समझाओ उसे, समझ जाएगी वो। श्योर मॉम।